ये चेन कवर बन रहा है जोकर थीम का। बेस वाले स्टिकर के साथ करते रहो। बताना इसको यहाँ पे रख दूँ। ओके ब्लैक नहीं है, ये कलर नहीं है, अभी ज्यादा कलर है। एक बड़ा है ब्लैक भी, बड़ा हुआ है, थोड़ा पड़ा हुआ है। इस सी डी 70 का चैन कवर बना रहे हैं जोकर थीम के साथ। अभी इसकी कटिंग करने लगे हैं। ये वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि आपको दिखा सकें कि जो विनाइल थीम्स लगते हैं गाड़ियों पर, बाइक्स पर या कहीं भी, तो काफ़ी इतने सारे प्रोसेस से गुजर कर फिर एक डिज़ाइन कंप्लीट होता है। ओके, ये पीस अलहदा कर लिया है और इस पीस को अब हीट गन के ज़रिए दिखाया जाएगा। प्योर विनाइल स्टिकर की खासियत होती है कि ज़्यादा हीट लगे भी तो फटता नहीं है। अच्छी क्वालिटी के विनाइल की ये खासियत होती है। जो हल्की क्वालिटी के होते हैं वो ज़्यादा हीट देने से फट जाते हैं, डिज़ाइन ख़राब हो जाता है, कोई भी मिसहैप हो सकता है, कोई मसला हो सकता है। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का विनाइल जो यूज़ करते हैं वो तो जितनी मर्ज़ी उसको हीट दें वो सॉफ्ट हो जाता है लेकिन जल्दी फटता नहीं है। इसको यहीं पे काट। ठीक, अभी चैन कवर का ऊपर वाला पीस इसकी फिनिशिंग करने लगे हैं। इसको भी उसी तरीके से हीट गन से इसको प्रेस किया जाएगा और फिनिश इसके अंदर लाई जाएगी जितनी मुमकिन हो सके।
इसकी कटिंग। अच्छा जी, ये हमारा बेसिक पीस तैयार हो गया। अब इसके अंदर हमने राइटिंग ऐड करनी है और टेक्सचर्स वगैरह ऐड करके इसको फिनिश करना है। ये बाकी पीस इसके हम लोग कटिंग करने लगे हैं। इसके बाकी पीस ये कटिंग हमारी मुकम्मल हो गई है। अभी हम इसका टेक्स्ट काटेंगे और इसके जो बॉर्डर्स हमने देने हैं, जो लाइनिंग वगैरह हमने देनी है, वो इसमें से हम क्लियर आउट करेंगे। ये हमने लाइनिंग उसके अंदर ऐड करनी है चेन कवर के अंदर, और ये टेक्स्ट हमने थीम के साथ ऐड करना है। कटिंग में जितना बारीक और छोटा काम होता है, टेक्स्ट होता है या कोई छोटा डिज़ाइन होता है, उतना ही मुश्किल से कटिंग होती है और उसकी प्लेसमेंट भी उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होती है। वजह उसकी ये होती है कि चूँकि हमने स्केलपल से या कोई भी नाइफ से हमने इसको साफ़ करना होता है, और जितनी ज़्यादा उस पर मेहनत होती है उतनी ही चीज़ कॉस्टली भी होती है। ये देखिए जी, ये टेक्स्ट हमने उसके अंदर ऐड करना है। चलिए अब इसके अंदर ऐड करते हैं। अच्छा जी, ये बॉर्डर्स हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। रबड़ भी आनी है ना। मैनुअल प्लेसमेंट मुश्किल होती है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कभी साइज़ का इशू आ जाता है, कभी जगह का इशू आ जाता है, सही जगह पे प्लेस नहीं होता, सही डिस्टेंस पे प्लेस नहीं होता। अब ये हमारा बॉर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है। अब इसकी कटिंग करेंगे और इसकी फिनिशिंग करेंगे। ये हीट गन से या
लाइटर की लाइट से प्रेस करना इसलिए ज़रूरी होता है कि क्योंकि जितना छोटा विनाइल का पीस होता है उतना जल्दी उतरने का उसका चांस होता है, और उससे बचाने के लिए हीट गन से या उसे हीटर से उसे प्रेस किया जाता है। अब इसके ऊपर हम ये टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेढ़ा नहीं हो गया जीरो? ये जरा फोटो देखो। ओके जी, अभी हमारा चेन कवर तैयार हो गया और ये इसकी फाइनल शक्ल हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा चेन कवर तैयार हो चुका है जोकर के थीम के साथ।